हेलो गाइस, वेलकम टू दिस बड़ी न्यूज़। तो गाइस आज हम बात करेंगे कैब से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में, बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा अपडेट के बारे में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट काफी ज्यादा कमाल के है। तो सबसे पहले एवेंजर एंड गेम के राइटर ने कंफर्म कर दिया कि 1945 से दो कैप्टन अमेरिका विजिट करते हैं एक ही टाइमलाइन में। एक तो वो वाला कैप्टन अमेरिका जो कि 70 सालों से जमा रहा न्यूयॉर्क को बचाने के लिए बर्फ में, और एक दूसरा कैप्टन अमेरिका जो कि एवेंजर एंड गेम में टाइम ट्रेवलिंग कर पेग कार्टर के साथ रहा, और लास्ट वाले दिन तक भी वो एक ही साथ थे पेगी कार्टर की मौत के वाले दिन। और उसके साथ अल्ट्रॉन भी गलत साबित हो गया कि कैप्टन अमेरिका बिना वॉर के भी जिंदा रह सकता है। अब बात करते हैं वेनम 2 से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। एंडी जो कि डायरेक्ट कर रहे हैं वेनम 2 को, उनकी सोनी से डील हो चुकी है, उन्होंने खुद ही ऑफिशियली कंफर्म कर दिया। उसी के साथ अगला अपडेट है काफी कमाल का। राइटर ने एक और चीज कंफर्म करी कि वो रेड हल्क को इंट्रोडक्शन करवाने वाले थे एवेंजर एंड गेम की लास्ट सीन में, और लास्ट सीन से एक और चीज याद आ गई, वो भी काफी कमाल का अपडेट है कि एंड में जो असेंबल का सीन था उसमें कैप्टन अमेरिका की शील्ड पर VFX करना भूल गए। जी हाँ, ये सबसे बड़ी गलती थी जो कि फैन ने अभी नोटिस करी। इस वाले सीन में कैप्टन अमेरिका की शील्ड दिखाई दे रही है। उसके साथ बैरी को फाइनली इंटरनल्स मूवी में कास्ट करा जा सकता है, अब किस रोल के लिए भी ये भी कंफर्म नहीं हुआ है। उसके साथ जस्टिन लीक का एक बिहाइंड द सीन नजर आया सामने, जिसमें कि ब्रूस वेन खड़े हुए हैं और वो आराम से अपनी शेविंग बना रहे हैं। देन उसी के साथ गीमा चैंग जो कि कैप्टन मार्वल मूवी में काम कर चुकी हैं ऑलरेडी, वो इन फ्यूचर हमें इंटरनल्स मूवी में देखने को मिल सकती हैं। उन्होंने बात करी है मार्वल स्टूडियो से, और देन आने वाली फ्यूचर की मूवीज़ में भी वो देखने को मिलेंगी, पर अभी फिलहाल के लिए इंटरनल। उसके साथ ए फोर्स जो कि एक फीमेल सुपर हीरो है, इसके ऊपर एक टीवी सीरीज आ सकती है जो कि ABC कंपनी बात कर रही है मार्वल स्टूडियो से स्पेशली। देन उसी के साथ डे जॉनसन आने वाली फ्रेंचाइज मूवी ज्वाइन कर सकते हैं डेडपूल की, यानी कि अपकमिंग वो डेडपूल मूवी में हमें देखने को मिल सकती हैं, पर कुछ 2-3 साल बाद। देन उसी के साथ जोया शायद पॉसिबली बैटगर्ल मूवी सोलो कर सकती हैं, उन्होंने अभी हाल ही में ट्विटर अकाउंट से उनके पता चला। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखे हो या तो उस पर हल्के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।